ये कहानी मैं गिन्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम गिन्नी है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं एक योगा चैंपियन हूँ और मैं बहुत बार अपने स्कूल को कई सारे योगा कॉम्पिटिशन्स में रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ। लेकिन 2 साल पहले जब मुझे अपने स्कूल को एक योगा इवेंट में रिप्रेजेंट करने के लिए साउथ इंडिया भेजा गया था, तब मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी थी जो कि मैं भुलाए नहीं भूल पाती हूँ। ये बात है साल 2021 की और वो सितंबर का महीना था। मैं अपनी फिजिक्स की क्लास में बैठी हुई फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ टीचर का लेक्चर सुन रही थी कि तभी मे आई कम इन मैम? यस कम इन। मैम, हेडमिस्ट्रेस मैम ने गिनी को अपने रूम में बुलाया है एंड इट इज अर्जेंट। गिनी, हेडमिस्ट्रेस मैम इज कॉलिंग यू। ओके मैम। मे आई कम इन मैम? हाँ गिनी, आओ बैठो। आपने मुझे बुलाया मैम? यस गिनी, देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट आई नीड टू डिस्कस विद यू। हाँ तो गिनी, सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि लास्ट वीक जो तुमको चोट लगी थी वो ठीक हुई या नहीं? यस मैम, आई एम फाइन नाउ, थैंक्स फॉर आस्किंग। ओ दैट्स ग्रेट। एक्चुअली अभी मेरी बात तुम्हारे स्पोर्ट्स टीचर अरोड़ा सर से हो रही थी। साउथ इंडिया में एक बहुत ही बड़ा योगा इवेंट होने जा रहा है जिसके लिए अरोड़ा सर ने शिवानी का नाम सजेस्ट किया था, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि शिवानी के बजाय गिनी को क्यों नहीं भेज सकते, तो अरोड़ा सर ने मुझे बताया कि तुमको लास्ट वीक चोट लग गई थी। नो नो मैम, अब तो मैं पूरी तरह ठीक हो चुकी हूँ। तो फिर ठीक है, मैं अरोड़ा सर को कॉल करके बता देती हूँ कि इस इवेंट में शिवानी नहीं बल्कि गिनी ही जाएगी। डेफिनेटली मैम, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। यू आर वेलकम गिनी, यू मे गो बैक टू योर क्लास नाउ। दिन बीते और योगा इवेंट स्टार्ट होने से ठीक 2 दिन पहले मैं एक फीमेल टीचर के साथ साउथ इंडिया के लिए निकल पड़ी। हमें दिल्ली से पुडुचेरी जाना था और हम वहां तक एक ट्रेन में जा रहे थे। वो जर्नी काफी लंबी होने वाली थी, लेकिन फिर भी मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे हमेशा से ही मेरे स्कूल को योगा इवेंट्स में रिप्रेजेंट करना बहुत अच्छा लगता था। पूरे 1 दिन और 15 घंटे की जर्नी करने के बाद हम रात के समय ही पुडुचेरी पहुंचे। वीना मैम और मेरे लिए एक काफी अच्छे रिजॉर्ट में पहले से ही 2 रूम्स बुक थे और जल्दी ही हम दोनों ने अपने अपने रूम्स में चेक इन कर लिया। योगा इवेंट कल सुबह से स्टार्ट होने वाला था और वो इवेंट 2 दिन चलने वाला था, इसीलिए रिजॉर्ट में हमारी बुकिंग टोटल 3 डेज की थी। वीना मैम और मैं अब काफी थक चुके थे, इसीलिए हमने डिनर अपने अपने कमरे में ही करने का डिसाइड किया। और डिनर करने के तुरंत बाद मैं अपने बिस्तर पर घोड़े बेचकर सो गई। देर रात जब पूरे रिजॉर्ट में सन्नाटा पसरा हुआ था, तब अचानक ही मेरी आंख मेरे कमरे के बाहर हो रही किसी हलचल की आवाज से खुली। मेरे कमरे के बाहर जो झाड़ियां थी वो मुझे हिलती हुई सी दिखाई दे रही थी। पहले तो मुझे लगा कि शायद झाड़ियों में कोई बिल्ली होगी और इसीलिए मैंने उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और करवट बदलकर वापस सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन अभी मुझे अपनी आंखें बंद किए हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ था कि तभी मुझे उसी खिड़की पर खटखटाने की आवाज आई। मैं वो आवाज सुनकर डर गई थी क्योंकि किसी ने 3 बार मेरी विंडो पर नॉक किया था और वैसा नॉकिंग साउंड तो कोई बिल्ली बिल्कुल नहीं निकाल सकती थी। मैं जैसे ही उठकर बैठी और मैंने विंडो की तरफ देखा
तो मैं डर के मारे कांप उठी। तीन बूढ़ी औरतें एक साथ खड़ी होकर खिड़की के बाहर से मेरे कमरे के अंदर झांक रही थीं। मैं पहले तो उनको मेरी तरफ घूरते हुए देखकर डर गई थी, लेकिन मैंने खुद को संभाला और सोचा कि शायद ये आंटियां अपना कमरा ढूंढते हुए भटक गई होंगी और मेरे कमरे को अपना कमरा समझ रही होंगी। मैं बिस्तर से उठी और कमरे के बाहर जाकर मैंने उनकी हेल्प करने का डिसाइड किया। लेकिन मैं जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकली, वो तीनों आंटियां एकदम से गायब हो गईं। ये देखकर मुझे एक झटका सा लगा और मैं बहुत ही ज्यादा डर गई और मैं भागती हुई वीना मैम के कमरे की तरफ जाने लगी। वीना मैम के कमरे के बाहर पहुंचकर मैं उनके दरवाजे पर फ्रेंटिकली नॉक करने लगी और जब मैम ने दरवाजा खोला तो मैंने उनको बताया कि मैंने अभी अभी क्या एक्सपीरियंस किया। वीना मैम मेरी बातों से अनॉयड लग रही थी और उन्होंने मुझसे गुस्से में कहा, गिनी तुम ये क्या बकवास कर रही हो, भूत वूत कुछ नहीं होते हैं, अब जाओ और जाकर अपने कमरे में सो जाओ। नो वे मैम, मैं अब उस कमरे में बिल्कुल नहीं रहने वाली, मैं तो अब आपके साथ आपके कमरे में ही सोऊंगी। गिनी मेरे कमरे में सिर्फ सिंगल बेड है, यहाँ पर दो लोग नहीं रह सकते। तो फिर आप मेरे साथ मेरे कमरे में चलकर रहिए, वहां पर डबल बेड है, मैं बस उस कमरे में अकेले नहीं रहना चाहती। वीना मैम बहुत ही अनॉयड लग रही थी लेकिन फाइनली उन्होंने मेरे साथ मेरे कमरे में रहने के लिए एग्री कर ही लिया। वीना मैम ने अपना लगेज लिया और मेरे साथ मेरे कमरे की तरफ चल पड़ी। रात के 2:30 बज रहे थे और वीना मैम तो बिस्तर पर लेटते ही सो गई थी, लेकिन मैं अभी भी डरी हुई विंडो की तरफ देख रही थी। मुझे याद नहीं कि मेरी आंख कब लगी, लेकिन नींद में एक बार फिर से मुझे कमरे की खिड़की पर नॉकिंग साउंड सुनाई दिया और जैसे ही मेरी आंख खुली, वही तीन औरतें एक बार फिर से मुझे खिड़की के बाहर खड़ी हुई दिखाई दी। मेरे मुंह से चीख निकलने वाली थी लेकिन मैंने खुद पर काबू पाया और वीना मैम को जगाने लगी। मैम जल्दी से खिड़की की तरफ देखिए। क्या है गिन्नी, सो क्यों नहीं रही तुम? मैम जल्दी से खिड़की की तरफ देखिए। और जैसे ही मैम ने अपनी आंखें खोली और विंडो की तरफ देखा तो उनकी भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो औरतें अभी भी कमरे के अंदर झांक रही थीं, लेकिन इस बार वो हमें नहीं बल्कि कमरे में पड़े हमारे लगेज की तरफ देख रही थीं। वीना मैम को तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो तीनों औरतें जिंदा नहीं बल्कि भूत हैं। उनको तो लग रहा था कि वो औरतें कोई चोर हैं जो कि हमारा सामान चुराना चाहती हैं, और इसीलिए मैम तुरंत ही बिस्तर से उठी और कमरे के बाहर उन औरतों को पकड़ने के लिए भागी। लेकिन जैसे ही वो बाहर पहुंची, एक बार फिर से वो तीनों औरतें हमारी नजरों के सामने ही गायब हो गईं। और ये देखकर वीना मैम को भी बहुत ही बड़ा झटका लगा और वो अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ गईं। अगली सुबह वीना मैम और मैं रिसॉर्ट की रिसेप्शन पर गए और रिसेप्शनिस्ट को हमारे एक्सपीरियंस के बारे में बताया। थोड़ा हिचकिचाते हुए उस रिसेप्शनिस्ट ने हमें उस कमरे के राज के बारे में बता ही दिया। मैम, वैसे तो हम हमारे गेस्ट को वो कमरा देना अवॉइड ही करते हैं, लेकिन जब आपकी बुकिंग हमें मिली थी तब हमारे पास बस वो दोनों कमरे ही अवेलेबल थे। गिनी मैम वाले कमरे में पहले भी कई बार काफी सारे लोगों ने पैरानॉर्मल चीजें एक्सपीरियंस करी हुई हैं। मैं तो इस रिजॉर्ट में बस पिछले 3 साल से काम कर रही हूँ, लेकिन गार्डनर चाचा यहाँ पर 20 सालों से काम कर रहे हैं
और उन्होंने ही मुझे बताया था कि करीब 14 साल पहले उस कमरे में रात को एक चोर घुस आया था और उस चोर ने उस कमरे में रह रही 3 बूढ़ी औरतों को मार दिया था और वो चोर उनके लगेज में से सारी कीमती चीजें और उनका सारा पैसा लेकर भाग गया था। और तभी से उस रूम में काफी सारे गेस्ट पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एक्सपीरियंस कर चुके हैं। रिसेप्शनिस्ट की बातें सुनकर वीना मैम और मैं बहुत डर गए थे, लेकिन उस रिजॉर्ट में उन दोनों कमरों के अलावा और कोई कमरा अवेलेबल ही नहीं था, तो मैंने और वीना मैम ने एक दूसरे होटल में रहने का डिसाइड किया और अगले 2 दिन हमने योगा इवेंट में भी पार्टिसिपेट किया। लेकिन आज भी पुडुचेरी की उस ट्रिप को याद करके मेरे दिमाग में सबसे पहले वो तीनों बूढ़ी औरतें ही आती हैं, जिनका 14 साल पहले बहुत ही दर्दनाक अंत हुआ था।